तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में वीडियो केवाईसी कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। घर बैठे ही केवाईसी करेंगे, बैंक में केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो केवाईसी कैसे करें बैंक ऑफ इंडिया में, तो इस वीडियो में देखिए। तो दोस्तों, अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन सारा कुछ फिल कर दिया होगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक आया होगा वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने का, जो कि देख सकते हैं यहां पर आया हुआ है। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर इस लिंक के ऊपर जो कि ब्लू कलर में है, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये वीडियो केवाईसी का लिंक खुलेगा, ये देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है, प्रोसीड। और सबसे पहले आपको आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना होगा और XML फाइल जनरेट करने के लिए, तो जनरेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फुल नेम डालेंगे, तो चलिए मैं डाल देता हूं जिनका वीडियो केवाईसी करना है। फुल नेम डालने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद लोकेशन के लिए आपको परमिशन देना होगा, अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा 12 अंकों का, तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूं जिनका वीडियो केवाईसी करना है। आधार नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार वाले ओटीपी आएगा, और फिर से आपको आधार नंबर, ओटीपी और शेयर कोड जो कि 1234 आपको डाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आधार नंबर, ओटीपी डाल दिया है और शेयर कोड में आपको डाल देना है 1234, ठीक है, मैंने डाल दिया। सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आधार XML जनरेट हो चुका है सक्सेसफुल। अब आपको अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा। स्टार्ट कॉल विद द एजेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर वीडियो के लिए परमिशन मांगेगा वीडियो केवाईसी करने के लिए। इस वेबसाइट को आपको वीडियो के लिए परमिशन देना होगा, तो आप अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर वीडियो केवाईसी होगा और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको वेट करना होगा, 19 मिनट दिखा रहा है, तो चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जी जी, देखो क्या मैम, जी 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 दे दिए हैं मैम, हिंदी दे दी है, ले कन्नड़ हो गया मैम। नहीं, आपको आंसर बताना। जी जी, क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी, व्हाट इज यू टॉप वर्ड? आज दूसरा क्वेश्चन, आज का दिन क्या है? 3 अक्टूबर है ना, 3 अक्टूबर है ना, ठीक है। तीसरा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसको स्क्रीन पे दिख रहा है। 3 2 4 110। धन्यवाद आपको पॉजिटिव आंसर्स के लिए। आप कौन से एरिया से बैठ के बात कर रहे हैं, कौन से एरिया में हो? मैम, कौन सा स्टेट है ये? मैम, ये कैमूर। कैमूर जी, बिहार। जी जी, बिहार। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आपका फोन बोलो जी, एकदम कैमरा के पीछे में, थोड़ा पीछे जाइए। आपका आधार कार्ड दिखाइए, थोड़ा नजदीक लगे कैमरा के, ठीक है। और पैन कार्ड भी दिखाना, बैक बैक कैमरा यूज कीजिए, टेबल पर रख दीजिए पैन कार्ड जी। कैमरा नजदीक लेके जाइए, और नजदीक लीजिए, थोड़ा पीछे लीजिए, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। आपका पूरा नाम बोलिए सर। सुधीर कुमार सिंह। ठीक है, अब एक पेज पे आप सिग्नेचर करके दिखाइए, ठीक है। जी मैम, नजदीक लेके जाना कैमरा, सीधा सीधा कीजिए, देखना। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, 2-3 घंटे में आपको मैसेज आ जाएगा, उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे। जी जी, जो भी आपने अप्लाई किया रहेगा एटीएम चेकबुक, वो आपके एड्रेस पे ही 10-15 दिन में आ रहे हैं। जी मैम। तो दोस्तों, हमारा वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, आपने देख लिया है कि कैसे आपको कंप्लीट करना है, क्या क्या पूछा जा रहा है। ये जिनका वीडियो केवाईसी हुआ थोड़ा सा ये हिचक गए थे, लेकिन आप नहीं हिचकना, देख लीजिए अच्छे से और आप आसानी से अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो केवाईसी होने के बाद जैसा कि बताया गया था कि 3 घंटे में आपको SMS आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 घंटा भी नहीं लगा है, देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा होगा। और ये बैंक ऑफ इंडिया की ओर से SMS आ गया है कि वेलकम टू BOI फैमिली, और मेरा सेविंग्स अकाउंट नंबर इतना है, देख सकते हैं, और सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। काइंडली डाउनलोड BOI मोबाइल ऐप, और ये मोबाइल बैंकिंग ऐप का लिंक दिया गया है डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद ईमेल भी मुझे आया है, मैं अपना जीमेल ऐप खोल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये
बैंक ऑफ इंडिया का जब मेरा वीडियो कैसी कंप्लीट हुआ तब ये एसएमएस आया हुआ था, वीडियो कैसी कंप्लीटेड बता रहा था उस समय, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल आया जो कि देख सकते हैं इसमें टोटल डिटेल मेरा है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको यूपीआई में भी लिंक करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा पेटीएम ऐप है, यहाँ पर दो बैंक अकाउंट और एक तीन बैंक अकाउंट है, ठीक है। चौथा मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि अभी मैंने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है, और बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक। और देख सकते हैं ये इस नंबर पर मुझे ये फेच कर लिया है, बैंक अकाउंट लिंक्ड सक्सेसफुली, स्किप कर देता हूं। और यहां पर देख सकते हैं जो कि लास्ट में 9307 है, अभी अकाउंट खुला है वो यहां पर लिंक भी हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर में भी जो अभी इसमें आया था इसके लास्ट में 9307 है, तो ये वाला यूपीआई में लिंक हो चुका है, मोबाइल बैंकिंग भी बन जाएगा, डेबिट कार्ड आता है तो हमारा यूपीआई में भी रजिस्टर हो जाएगा।